दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पर नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने विकास के नाम पर वोट मांगा है और लोकतंत्र में ये अच्छा परिचय है कि विकास के नाम पर अगर वोट मिल रहा है तो इसका फायदा कांग्रेस को उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड का अभूतपूर्व विकास किया है, अगर लोगों की जागृति विकास के नाम पर वोट देने की है तो 2022 में कांग्रेस के उत्तराखंड में वापसी तय है, क्योंकि कांग्रेस शासन काल में ही उत्तराखंड में जमीनी विकास कार्य हुए जबकि वर्तमान सरकार विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। है कि आपने एक ही नारा दिया, हमारे काम पर वोट दो, और मुझे हमेशा ये अच्छा लगता है कि जनता काम पर वोट दे। अगर सचमुच जनता ने काम पर वोट दिया है तो फिर हमें भी उम्मीद है, उत्तराखंड में कांग्रेस ने काम किया है, आगे कांग्रेस को भी काम पर ही वोट मिलेगा। काम पर वोट हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं और परिश्रम करते हैं और प्लानिंग करते हैं उन्हें खुशी होती है, और जनता में ये भाव धीरे धीरे बढ़ना चाहिए कि वोट विकास के आधार पर दें। वहाँ विकास के आधार पर वोट दिया।